कैम छो पब्लिक। तो आज हम लोग करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा, व्हेन फोर डाइस आर रोल, चार डाइस हमको क्या करनी है, रोल करनी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज क्या है, 16। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको उसकी फाइंड करनी है कि उस डाइस पे जो नंबर आए उस चारों डाइस का सम होके क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे डाइस लिख लेते हैं, कितनी डाइस है हमारे पास, फर्स्ट डाई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों का मिला के हमको सम क्या करना है, 16 करना है। हमको पता है कि डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वन से शुरू करके होते हैं सिक्स तक। चलिए हमको सम करना है यहाँ पे 16, तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। अगर फर्स्ट डाई में सिक्स नंबर आया, सेकेंड डाई में सिक्स आया, 6 + 6 = 12, बचे कितने, फोर। यानी कि फोर के लिए दो पॉसिबिलिटी, 2 एंड 2 ले लेते हैं, दोनों ये दोनों सेम रखते हैं, 6 एंड 6। फोर को ऐसा भी आ सकता है, थर्ड डाई में 3 आया, फोर्थ डाई में 1 आया, तो ये भी सम 16 हो गया। चलिए यहाँ से एक कम करते हैं, इसको 6 ही रखते हैं, यहाँ से एक कम, यानी कि टोटल हो गया 11। हमको यहाँ पे 5 करना है, तो 5 के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 4 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो अगेन ये दोनों सेम रखेंगे, 6 एंड 5, यहाँ पे सम 5 किस तरह से हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। चलिए अब यहाँ से और एक कम करते हैं, तो क्या होगा, 6 4 10 हुआ, यहाँ पे सम क्या करना है, 6, यानी कि यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, इन दोनों को सेम रखते हैं, 6 एंड 4। यहाँ पे 6 की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 3 एंड 3, दोनों 3 3 भी हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ तो कम हो गए, यहाँ पे इससे कम नहीं हो सकता, चलिए यहाँ से इससे कम करेंगे तो यहाँ पे फिर रिपीट में हमको मिलना शुरू होगा। चलिए इसलिए यहाँ से एक कम करते हैं, चलिए यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं, 5 5 क्या हो गया, 10, और अगेन पॉसिबिलिटी इसकी कितनी हो गई, 6, यानी कि 4 एंड 2, यानी कि इन दोनों को अगेन सेम रखते हैं, 5 एंड 5, तो यहाँ पे 6 के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 3 एंड 3, यहाँ पे अगेन इसको रखते हैं 5 एंड 5, तो यहाँ पे 6 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अगेन 5 एंड 1। आप बोलेंगे कि 2 एंड 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट साइड में कर देंगे साथ में। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, सम क्या हुआ, 9, यानी कि इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 7 के लिए 4 एंड 3, बचा कितना, अगर चार डाइस है, चारों पे 4 4 4 एंड 4 आए, मतलब 4 4 4 क्या हुआ, 16 हो गया। चलिए सबके लिए अब इसमें क्या हो सकता है कि ये सब भी इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे आ सकता है, 6 यहाँ पे आ सकता है, तो वो सब चारों के चारों, 4 के 4 कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से चेंज हो सकते हैं, लेकिन दो नंबर यहाँ पे सेम है, 6 एंड 6, मतलब सेम हो तो उससे क्या करना पड़ता है, हमको डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये दोनों भी सेम है, यानी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे अगेन 4 फैक्टोरियल से दोनों चेंज हो गए, लेकिन दो नंबर सेम है, यानी डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट है, यानी कि 4 फैक्टोरियल से वो अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट है, यानी कि वो भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे चारों के चारों 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन दो नंबर सेम है, 4 एंड 4, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। यहाँ पे देखिए चारों के चारों नंबर 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन दो नंबर सेम है, यानी डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। यहाँ पे भी सेम, 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, दो नंबर सेम है, 5 एंड 5, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन 3 नंबर सेम है, यानी कि क्या आएगा, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल।
यहाँ पे भी अगेन 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, 2 नंबर सेम है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी देखिए 4 नंबर सेम है, यानी कि 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों सेम है, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, तो इसका आंसर मिलेगा 6। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसका 4 इंटू 3 होगा, यानी कि मिलेगा 12। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि मिलेगा 24। 4 फैक्टोरियल मिलेगा 24। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या मिलता है, 12। तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे आएगा 6, ये वाला यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 12, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल, यानी बचा क्या सिर्फ 1। इसका सम करेंगे तो हमको टोटल इसका मिलेगा 125, इसका टोटल हो गया 125। लेकिन हमको तो क्या करना है कि इतने तरीके से ये 16 सम हो सकता है, 125 तरीके से इसका सम 16 हो सकता है, लेकिन हमको तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, प्रॉबेबिलिटी ऑफ सम क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 125 अपॉन क्या आएगा, टोटल इवेंट्स, मतलब इसको भी हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6, इसको भी 6, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 रेस टू 4। 125 को हम लिख सकते हैं 5³ अपॉन 6⁴, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे सेकेंड वाला जो हमको पूछा गया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 सम इज 5³ अपॉन 6⁴।